Hello students, welcome back in a new English lesson, and this lesson is for 6th class and the chapter is baby's ears. Chapter name is baby's ears. Okay, so let's start. Actually let's read some information about this chapter. This short story is about a little girl called Well एंड हर ग्रैंड मदर. ठीक है, ये छोटी स्टोरी जो किसके बारे में, छोटी लड़की के बारे में जिसका नाम क्या है वेल, और उसकी दादी का नाम क्या है, सॉरी दादी के बारे में है. एंड देयर ट्रिप टू द बीच, उनकी जो यात्रा है बीच की उनके बारे में. ठीक है, इन दिस स्टोरी यू विल रीड अबाउट सेल्स विद डिफरेंट नेम्स. ठीक है, जो सेल्स होती है ना, सेल्स ही होते हैं जो समुद्र किनारे जो मिलते हैं ना आपको, पड़ी जो मिलती हैं, जैसे शंख होता है, शंख को बोलते हैं काउंज. ठीक है, तो उसी तरीके से एक उन्हीं का रूप होता है, ये ऐसे मिलते हैं आपको समुद्र किनारे ऐसे. ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, हैव यू सीन सेल्स ऑन अ बीच, कभी आपने देखे हैं कभी ऐसे सेल्स? ठीक है, कैन यू आइडेंटिफाई दैम, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो. ये ध्यान रखने की जो इसमें जो आप चैप्टर है इसमें गया है, कुछ अमेरिकन स्पेल आपको मिलेंगे, अमेरिकन वर्ड्स मिलेंगे. ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखना. ओके, देखो बेबीज़ ईयर्स. मॉम पोर्ड हरसेल्फ ए ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस. ठीक है, मम्मा पोर्ड क्या होता है, उडेलना, कहते हैं ना डालना, एक ग्लास पानी डाल दो, तो डालना क्या होता है पोर्ड. ठीक है, तो पोर्ड लाइक एज यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल, तो ये जो डाल रही है, तो ये जो डल रहा है इसमें, तो ये क्या होगा पोरिंग. ठीक है, डालना. ठीक है, मॉम पोर्ड हरसेल्फ ए ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस. ठीक है, अपने आप जो है ऑरेंज जूस डालते हैं उसमें. आई एम वरिड अबाउट ग्रैंडमा सी सेड. ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि मैं ग्रैंड माँ के बारे में चिंतित हूँ. ठीक है, आई वॉज पोरिंग सिरप ऑन माई फ्रेंच टोस्ट. ठीक है, फ्रेंच टोस्ट ऊपर जो है सिरप डालने के ऊपर जो है, फ्रेंच टोस्ट क्या होता है, टोस्ट कहते हैं खाने की चीज़ होती है. ठीक है, जैसे आपका ब्रेड होता है, ठीक है, उसमें अंडे वगैरह होते हैं, ठीक है, फ्राइड होता है वो, तो उसको बोलते हैं आपको टोस्ट, फ्रेंच टोस्ट. ठीक है, आई वॉज पोरिंग सिरप ऑन माई फ्रेंच टोस्ट. सिर्फ होती है चटनी टाइप होते हैं, चटनी टाइप वो अपन उनके ऊपर डाल रही हैं फ्रेंच टोस्ट के ऊपर. ठीक है, हॉट एंड स्वीट, गर्म और क्या ना है, मीठा है. जस्ट द वे आई लाइक इट, वो वैसा ही जैसा कि मुझे अच्छा लगता है. वाई, क्यों, आई आस्क्ड एज आई लिक्ड अ ड्रॉप ऑफ सिरप फ्रॉम माई फोर्क. ठीक है, वाई, क्यों, आई आस्क, मैम ने पूछा. ठीक है, एज आई लिक्ड, लिक्ड क्या होता है, लिक्ड, लिक होता है चाटना, तो ये लिक के सेकेंड फॉर्म लिक्ड. ठीक है, चाटना, जैसे मैंने चाटी, क्या चाटी, ड्रॉप ऑफ सिरप, चटनी की जो एक ड्रॉप चाटी फ्रॉम माय फोर्क. देखो, एक तो स्पून होता है आपका, स्पून होता है चम्मच जो आप यूज़ करते हैं घर पे नॉर्मली. ठीक है, और एक आपने कभी देखा होगा नुकीली चम्मच आती है उनको, मतलब आगे आगे जो है उनके दाने होते हैं तीर से, मतलब निकले होते हैं लाइक दिस, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इससे में ऐसे करके फिर ऐसे ऐसे होती हैं उसको. ठीक है, बदली से देख लेना, आपने शायद देखी भी है उसमें, तो उसको ताकि मतलब उसमें कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो उसको प्रॉपर पकड़ के अच्छे से खा सकें, ऐसे होती है, उसको बोलते हैं फोर्क. ठीक है, वेल, ठीक है, वेल रिमेंबर बिफोर सी मूव्ड टू फ्लोरिडा. ठीक है, वेल, मुझे याद है जब वो, बिफोर सी मूव्ड टू फ्लोरिडा, जब वो मूवमेंट होते जाना, जब वो फ्लोरिडा से गई थी उससे पहले, हाउ अर्ली ग्रैंड माँ वुड गेट अप. ठीक है, वो कितनी जल्दी जो है उठी होंगी. ठीक है, बिफोर द सन आई सेड, उन्होंने कहा कि भाई, मैंने कहा बिफोर द सन, सन उगने से पहले ही, टू मेक पैनकेक्स, पैनकेक्स बनाने के लिए भी खाने की चीज़ है. ठीक है, ये क्या है, पतला सा होता है, फ्लैट होता है, राउंड फूड होता है. ठीक है, किससे बनता है, मिल्क से बनता है, फ्लोर से मिलता है, एग्स वगैरह. ठीक है, फ्राई करके बनता है फ्राइंग पैन में. ठीक है, माई मॉम नॉडेड, नॉडेड होता है वो गर्दन हिलाना. ठीक है, मेरी मम्मी ने जो है गर्दन हिलाई थी. बट नाउ ग्रैंडमा स्लीप्स मोस्ट ऑफ द डे और वॉचेस टेलीविज़न. ठीक है, अभी क्या है, ज़्यादातर क्या करती है पूरे दिन में, सोती है या फिर टेलीविज़न जो है टीवी देखती है. आई कांट गेट हर आउट ऑफ द हाउस. ठीक है, मैं उनको बाहर नहीं ले जा सकती. एंड सी वॉन्ट ट्राई टू मेक फ्रेंड्स, और ना ही जो है वो फिर दोस्त बनाने की कोशिश करती है. मॉम फ्रॉन्ट एंड लोवर्ड हर वॉइस, ग्रैंडमा, ग्रैंडमाज इवन टॉकिंग अबाउट गोइंग बैक टू न्यूयॉर्क. ठीक है,
जैसे क्या है, मॉम फ्रॉन्ट, फ्रॉन्ट क्या होता है, जैसे मुँह लटका के कोई भी चीज़ किसी को बोल रहा तो उसने क्या है, मुँह लटका के है ना बोलते हैं उसे, नाक चढ़ा के जिसको बोलते हैं, वो मीनिंग है यहाँ पे, ठीक है, नाक चढ़ाया, ठीक है, मम्मा ने क्या किया, नाक चढ़ाया और लोअर्ड हर वॉइस, अपनी जो आवाज़ है वो धीमी की, ठीक है। ग्रैंड माज इवन टॉकिंग अबाउट गोइंग बैक टू न्यूयॉर्क, ठीक है, वो क्या है, हमेशा किस कैसी बात करती रहती है, न्यूयॉर्क वापस जाने की, बैक टू न्यूयॉर्क, बट यू सैड, लेकिन बैक टू न्यूयॉर्क वापस जाना है न्यूयॉर्क, लेकिन यू सैड, आपने तो कहा था दैट सी कुडंट लिव अलोन एनी मोर, ठीक है, लेकिन वह क्या है, अकेली ज़्यादा नहीं रह सकती, दैट्स वाई सी केम टू लिव हेयर, इसलिए जो वहाँ पर, यहाँ पर वो रहने के लिए आई है। आई लाइक फ्लोरिडा, फ्लोरिडा की जगह है, ठीक है, तो मैं क्या है फ्लोरिडा को पसंद करता हूँ, करती हूँ, इसमें बताया, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, आई हैव अ लॉट ऑफ गर्ल फ्रेंड्स टू प्ले विद इन माय सिक्स ग्रेड क्लास, ठीक है, मेरे पास काफ़ी गर्ल फ्रेंड्स हैं, मेरी सहेलियाँ हैं जो वहाँ पे खेलने के लिए सिक्स क्लास ग्रेड की क्लास की वहाँ पे, ठीक है। देखोगे इफ़ ग्रैंड माँ वेंट बैक टू न्यूयॉर्क सी वुड हैव टू लिव इन नर्सिंग होम, ठीक है, यदि ग्रैंड माँ वापस जाती है न्यूयॉर्क तो वहाँ पर कहाँ पर रहना पड़ेगा, नर्सिंग होम में रहना पड़ेगा, ठीक है, नर्सिंग होम में नर्स वगैरह को होता है ना, हॉस्पिटल के अंदर घर होते हैं, रूम होते हैं, उसमें नर्सिंग होम बोलते हैं उसको, ठीक है, वहाँ पर। माई मदर टोल्ड मी दैट्स अ प्लेस वेयर ओल्ड पीपल लिव एंड नर्सिस टेक केयर ऑफ दैम, ठीक है, मतलब मम्मा ने बताया कि उनके कि क्या बताएंगे मम्मी की, दैट्स ए प्लेस, वो जगह होती है जो मैंने बताया कोई पीपल रहते हैं और नर्सेज जो उनकी ध्यान रखती हैं, टेक केयर करती हैं उनका, ठीक है। इट साउंड्स लाइक अ हॉस्पिटल टू मी, येस आई सैड, है ना, मैंने बताया था ना आपको ये हॉस्पिटल के अंदर वैसा होता है। आई थॉट फॉर अ मिनट, ठीक है, मैंने एक मिनट के लिए सोचा, आई विल फाइंड अ वे टू मेक ग्रैंड माँ लाइक फ्लोरिडा, ठीक है, मैं कुछ रास्ता अपनाऊँगी कि ग्रैंड माँ को जो है फ्लोरिडा के ऐसा, I will find a way to make grandma like Florida. ठीक है, एक Florida की जैसे मतलब मैं अपनी आँखों बनाऊँगी। Mom smiled and said, I wish you could. ठीक है, मम्मा ने जो है स्माइल किया और क्या कही, Of course you could. I wish you could. Means मैं विश करती हूँ तुम बनाओ। नहीं देखो। After school I saw grandma watching television and figured she hadn't moved all day, ठीक है, आफ्टर स्कूल में देखती हूँ क्या देखी, ग्रैंड माँ जो है वॉचिंग टीवी देखती रहती है, फिगर्ड हैडन्ट मूव ऑल डे, ठीक है, और वहाँ से जो है हिलती नहीं है बिल्कुल भी। इन माई रूम, मेरे कमरे में क्या है, आई सेट ऑन माई बेड एंड टुक आउट माई सी सेल कलेक्शन, ठीक है, मेरे रूम में क्या, मैं बेड पर बैठ गई और कहाँ क्या किया, फिर वहाँ से सी सेल का कलेक्शन लिया, सी होता है आपका समुद्र हो गया, ठीक है, सेल का आपको मैंने बताया था कि जो उसमें शेल होते हैं आपके, ये समुद्र किनारे वगैरह मिलती है ना इसके, ऐसे जैसे शंख होता है, शंख टाइप में ही ऐसी मेटल की ऐसी बनी होती है उसमें, ठीक है। कहाँ गए भाई, या हियर इट इज, आई हैड फाउंड स्ट्रिप्ड वैक्स पर्पल सीज सी स्नेल्स एंड इवन अ क्वीन कॉन्च सेल्स, ठीक है, तो मतलब ये क्या है उनका, उनको मतलब अलग अलग ये चीज़ें मिली थी, लाइक स्ट्रिप्ड वैक्स की, पर्पल सी स्नेल्स, पर्पल कलर की जो है ये चीज़ें मिली, और ये क्वीन का जो क्या मिला, कॉन्ग सेल, ये होता है CONCH, ये होता है संख, इसका प्रोनाउंसिएशन है कांग, कांग क्या, कांग, काउंच नहीं कहेंगे, ठीक है, ये यू कैन होल्ड अ कॉन्ग सेल अप टू योर ईयर एंड एक्चुअली हीयर द ओशन वेव्स, ठीक है, आप जो उनको कान को लगा सकते हो काउंच को अपने कान के पास और जो ओशन की जो वेव्स हैं समुंदर की जो लहरें हैं उनको सुन सकते हो। माई इवन फेवरेट सेल वॉज कॉल्ड अ बेबीज ईयर, ठीक है, जो मेरा फेवरेट जो सेल था वो क्या कहला जाता था, बेबीज ईयर, इट्स अ ब्यूटिफुल वाइट सेल शेप्ड जस्ट लाइक द ईयर ऑफ ए बेबी ऑल स्वेरली एंड डेलीकेट, ठीक है, कैसा था मतलब सेप भी जो उसकी कैसी थी, बेबी की जैसे मतलब कान की जैसी बता रहे इसमें ना, इट्स अ ब्यूटिफुल सेल शेप्ड जस्ट लाइक द ईयर ऑफ बेबी, जैसे छोटे बच्चे का कोई जैसे कान होता है ना उस सेप में बनाई होती है, ऑल स्वर्ली, स्वर्ली होता है कोई भी चीज़ मतलब जैसे जलेबी है, तो जलेबी की हम कोई भी चीज़ हम उसको ऐसे देख सकते हैं ना कि भाई ऐसे 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 घूम कर उनकी बनी है, ठीक है, तो ये सेप जो होती है उसको बोलते हैं स्वर्ली एंड डेलीकेट, डेलीकेट क्या होता है नाजुक, कोई भी चीज़ भाई हल्का सा है तो
कोई भी चीज़ हल्की पतली सी है उसको ऐसे करें तो टूट जाएगी, ठीक है, तो क्या होगी, नाजुक। ये पेंसिल भी क्या है भाई, नाजुक है, यदि मैं उसको तोड़ना चाहूँ टूट सकती है ना, ठीक है। इस वे में लुकिंग एट माई सी सेल्स गेव मी एन आइडिया, ठीक है, मेरी सी सेल्स को देख के जो मेरे को जो है सी सेल्स ने क्या किया, मेरे को एक आइडिया दिया। आई वेंट इन टू द लिविंग रूम एंड सेट ऑन द काउच, ठीक है, मैं क्या अपने लिविंग रूम में चली गई और कहाँ पे बैठ गई, काउच पे बैठ गई। देखो लिविंग रूम क्या होता है, बैठक होती है जो हम बोलते हैं, बैठक हमारे होते हैं, ठीक है। ड्राइंग रूम भी कहते हैं उसको, गेस्ट रूम भी कहते हैं, लिविंग रूम भी कहते हैं रहने का कमरा, ठीक है। एंड सेट ऑन द काउच, काउच क्या होता है, काउच आपने सुना होगा ना, सोफ़ा होता है ना घर पे, तो सोफ़े को ही हम काउच बोलते हैं, ठीक है। सोफ़ा हो गया अपनी ब्रिटिश इंग्लिश में और काउच हो गया अमेरिकन इंग्लिश में। हमारे यहाँ पे क्या है, कई टाइप की इंग्लिश होती है वैसे, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्लिश आते हैं। सो हम यूज़ करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश होती है, ठीक है, जो अमेरिकन लोग यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश। तो हम यहाँ पे कहते हैं सोफ़ा, क्लियर, और वो वहाँ पे सोफ़े क्या बोलते हैं, काउच, क्लियर। पहले बताया था ना इसमें कि अमेरिकन वर्ड्स आएंगे काफ़ी, ओके। डिड यू एवर गो टू द बीच व्हेन यू वर लिटिल ग्रैंडमा, आई आस्क, ठीक है, मैंने क्या पूछा मम्मा से कि आप कभी बीच पर गए थे जब आप छोटे थे, ठीक है। वंस माई मदर टुक मी, ठीक है, एक बार जो है मेरी माँ वहाँ पर ले गई थी, बट आई डिड नॉट इन्जॉय इट ऑल, ठीक है, लेकिन मैंने जो है कभी भी वहाँ पर इन्जॉय नहीं किया। सी सैड फ्रॉनिंग, फ्रॉनिंग वही बताया था मैंने आपको, कोई भी चीज़ है नाक चढ़ा के बोलना, ठीक है, लेकिन मैंने वहाँ पर कभी भी उसको इन्जॉय नहीं किया, वह नाक चढ़ा के बोली, ओके। रियली, वास्तव में, आई टुक एन ऑट मील कुकी फ्रॉम द प्लेट ऑन द कॉफ़ी टेबल, वाई नॉट, ठीक है, रियली सच में, आई टुक एन ऑट मील, ऑट मील होते हैं आपकी दलिया टाइप होता है ना, जई का दलिया जिसको कहते हैं, दलिया, ठीक है, जई का दलिया, उसमें तो ऑट मील वहाँ पे ली कुकी, कुकी क्या होती है, बिस्किट, उस जो बिस्किट हम बोलते हैं वो क्या हो गया, ब्रिटिश का वर्ड है, और कुकी क्या होता है, अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है, वो कुकी बिस्किट को कुकी बोलते हैं, ठीक है। तो उनकी जो है ओटमील की जो है बिस्किट ली, ठीक है, फ्रॉम द प्लेट, उस प्लेट में से, ऑन द कॉफ़ी टेबल, जो कॉफ़ी टेबल पे रखी हुई थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, वाई नॉट, क्यों नहीं, ठीक है। यस, उनके कहा, आई एम अफ्रेड ऑफ वाटर, आई एम अफ्रेड ऑफ द वाटर एंड आई कांट स्विम, ग्रैंडमा परस्यूड हर लिप्स एज दो सी हैड टेस्टेड अ लेमन, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि मुझे डर लगता है पानी से, आई कांट स्विम, मैं तैर नहीं सकती, ठीक है। ग्रैंडमा परस्यूड हर लिप्स, मतलब होठों को घुमाए ऐसे जैसे कि उन्होंने नींबू टेस्ट किया हो, ठीक है, मतलब परस्यूड हर लिप्स का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज़ है ना एक बुरे उसमें कुछ चीज़ को अच्छा ना लगना, उसको होठ को ऐसे घुमा देना, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, कोई जैसे आपकी मामा पूछती बेटा ये खाओगे आपने, आपको अच्छा नहीं लगता है मुँह ऐसे होठों को ऐसे घुमा के बोलते, नहीं है ना उस वे में, क्लियर। आई विश्ड ग्रैंडमा कुड फील द वे आई डिड अबाउट द बीच, ठीक है, मुझे मतलब आशा थी कि ग्रैंडमा जो है उस चीज़ को फील कर सके जो मैं चाहती थी बीच के बारे में। आई लव्ड टू सी पेलिकन्स फ्लाइंग ओवर द वाटर एंड वंस आई इवन सा ए ह्यूज इगुना, ठीक है, मतलब मुझे बहुत प्यारा लगता था। एक पेलिकन्स क्या होती है, मतलब एक बतख होती है लंबे चोंच के, वहाँ पे जो अलग वहाँ पे रहते हैं ना दूर देशों में, वहाँ लंबे चोंच की मतलब बतख टाइप होती है, ठीक है। फ्लाइंग ओवर द वाटर, जो पानी के ऊपर से जो उड़ रही थी। एंड वंस आई इवन सा ए ह्यूज इगुआना, इगुआना मतलब एक बहुत सारी ह्यूज क्या होता है, बड़ी, बहुत बड़ा या बड़ी का, ठीक है, बहुत बड़ी इगुआना, एक मतलब ये क्या है वहाँ पे छिपकली है, इज ए लार्ज ग्रे ग्रीन लिजार्ड, छिपकली होती है यहाँ पे वहाँ की, वहाँ पे अलग अलग नस्ल है तो वहाँ पे ग्रीन कलर की जो है छिपकली बड़ी, ठीक है। आई इवन सा ए ह्यूज, बड़ी छिपकली देखी मैंने, ठीक है। वेल, क्या कह रहे, देखो, वेल आई वॉज वंडरिंग इफ यू कुड टेक मी टू द बीच, ठीक है, मैं मतलब अद्भुत कर रही थी मतलब कि यदि आप मुझे जो है बीच पे ले चलो, तो ग्रैंडमा, ग्रैंडमा क्या है मतलब बच्ची कह रही है उसको, ग्रैंडमा यदि मैं आप वहाँ पे ले चलो, ठीक है। आई नीड सम न्यू सेल्स फॉर माय कलेक्शन, ठीक है, मुझे काफ़ी जो है नई सेल्स चाहिए मेरी कलेक्शन के लिए, मैं उनको इकट्ठा करूँगी। सेल्स मैं आपको बता चुका हूँ क्या चीज़ होती है, सेल्स जैसे शंख होता है उसी टाइप की मटेरियल की बनी होती है, पिक्चर में आपको दिखाया था मैंने, अगेन आई एम शोइंग यू, ऐसी होती हैं, ठीक है।
देखो ग्रैंड माँ क्या कहती है, ग्रैंड माँ डोंट इवन लुक अप फ्रॉम द टीवी, आई एम वॉचिंग माई शो, वेल कांट यू गो बाय योर सेल्फ। ठीक है, तो उन्होंने क्या कह रही, ग्रैंड माँ क्या कह रही, ग्रैंड माँ ने क्या है उस तरफ देखा भी नहीं उनकी तरफ, उस लड़की की तरफ। ठीक है, वो क्या बोला, आई एम वॉचिंग माई शो, कि मैं अपना जो है शो देख रही हूँ। वेल, वेल का क्या नाम है, वी एल, ये लड़की का नाम है। ठीक है, उसका नाम, ठीक है। तो क्या बोला दादी माँ ने, कांट यू गो बाई योर सेल्फ, क्या आप तुम अपने आप नहीं जा सकती। ठीक है, लड़की ने क्या कहा, नो आई एम नॉट अलाउड टू गो टू बीच बाय माई सेल्फ, ठीक है, मैं अपने आप जो है वहाँ पे नहीं जा सकती। प्लीज़ आई बैग्ड इमेजिनिंग ग्रैंडमा इन माई नर्सिंग होम। ठीक है, लेकिन मैं क्या आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इमेज करती हूँ कि आप ग्रैंडमा आप नर्सिंग होम में हो, वो बता रही न्यूयॉर्क जाने की, उसमें इसलिए बता रही उनको। ठीक है, ओह ऑल राइट, चलो ठीक है, ग्रैंडमा साइड, ग्रैंडमा ने जो है आह भरी, चल गई, चलो ठीक है भाई मैं ले चलती हूँ तुम्हें। सी टुक माई हैंड एज वी लेफ्ट द हाउस, ठीक है, उसने क्या मेरा हाथ पकड़ा और वहाँ से चल दिए। एंड वी वॉकड टू द बीच, और हम जो है बीच की तरफ चले गए थे। द सन फेल्ट हॉट इनफ टू मेल्ट मेटल, ठीक है, सन जो है इतना गर्म था कि जो है मेटल को भी पिघला दे। ठीक है, मेल्ट होते पिघलाना, मेटल होते तो कोई धातु वगैरह, कोई लोहा हो गया, एलुमिनियम हो गया, इस टाइप से किसी भी मेटल को भी पिघला दे। ठीक है, आई हैंडेड ग्रैंड माँ अ प्लास्टिक बैग, ठीक है, मैंने क्या किया, ग्रैंड माँ को एक मतलब प्लास्टिक का बैग दिया। किस लिए दिया, हेयर दिस इज़ फॉर द सेल्स, सी सेल्स यू फाइंड। ठीक है, मतलब किस लिए दिया, कि भाई ये जो भी आपको सी सेल्स मिले तो उसमें इकट्ठा करना है। ओके, ओ आई विल लीव दैट टू यू, सी सेड, उन्होंने क्या कहा कि मैं ये वो तुम्हें दे दूँगी, तुम्हें दे दूँगी, तुम्हें छोड़ दूँगी। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे छोड़ दूँगी। ठीक है, अ सॉफ्ट ओशन ब्रीज ब्लू हर ग्रे कर्ल्स अक्रॉस हर आइज, मतलब ये क्या वहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें वहाँ पे छोड़ दूँगी आराम से, जो फिर वहाँ पे अपने आप ले लेना। सॉफ्ट ओशन जो है ब्रिज, ब्रिज है वहाँ पे, तो वहाँ से बहता है। ठीक है, तो आपकी आंखों के सामने बहेगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। आई शॉक माई हेड, ठीक है, मैंने अपना जो हेड मतलब ऐसे नर्वस हो गया। नो ग्रैंड माँ आई नीड ऑल द हेल्प आई कांट गेट, ठीक है, मतलब उन्होंने क्या कहा बच्ची ने कि नहीं ग्रैंड माँ मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मैं अपने आप कुछ कुछ नहीं कर सकती। तो ठीक है, तो उसने क्या कहा, ओह ठीक है ऑल राइट, ठीक है, सी सैड, उन्हें कहा, सी वॉकड साइड बाय साइड अप द बीच, ठीक है, वो साइड अप की साइड जो है वॉक करने लगी। आवर हेड्स डाउन, जो दोनों जो अपना नीचे देख के चलने लगी। लुकिंग फॉर ओनली द मोस्ट ब्यूटिफुल सेल्स, मतलब काफ़ी जो वहाँ पे सेल्स वगैरह थे ना, तो वहाँ पे कौन से जो सुंदर सेल्स मिलते हैं उनकी सर्च में। ओके, सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर द डे, एंड या दैट्स इनफ फॉर नाउ, एंड नेक्स्ट यू नो दिस पैसेज रिमेनिंग ओनली, एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो टिल देन हैव अ गुड डे, गुड बाय।